सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने माई जियो ऐप के अंदर का कॉल हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे गाइस, काफ़ी सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम होता है और वो चाहते हैं कि माई जियो ऐप के अंदर का कॉल हिस्ट्री डिलीट करने के लिए, बट उनसे माई जियो ऐप के अंदर जो कॉल हिस्ट्री होता है वो डिलीट नहीं कर पाते, क्योंकि गाइस वहाँ पर कोई सा भी एक आपको ऑप्शन नहीं मिलता डिलीट करने का। बट गाइस, एक ऐसा ही हाल ही फिलहाल में एक ऐसा ट्रिक आया है जहाँ से आप माई जियो ऐप के अंदर का आसानी से आप कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, और वह काफ़ी सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है और काफ़ी सारे यूट्यूबर को भी पता नहीं है। ठीक गाइस, और उसको कैसे डिलीट करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो को थोड़ा से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइस अगर वीडियो को अगर थोड़ा से भी स्किप करते हो और एक भी ट्रिक अगर आपको मिस्टेक हो जाता है तो आपको माई जियो ऐप के अंदर का जो कॉल हिस्ट्री होता है उसको डिलीट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे माई जियो सर्च कर लेना। जो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे माई जियो सर्च कर लिया हूँ। जैसे आप माई जियो सर्च करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता है तो पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपका इंस्टॉल है और यहाँ पे अगर आपका अपडेट का ऑप्शन आता है तो पहले आप यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल या अपडेट कर ले तो आपको सीधा इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है इंटर मोबाइल नंबर और उसके नीचे लॉग इन का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जिस जियो सिम का कॉल हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, फिर लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो तो फिर आपके नंबर पे एक 6 अंक का OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिलअप ले लेगा। अगर नहीं लेता तो आप अपना OTP कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, जो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का मैसेज में OTP आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, पहले मैं आप इंटर मोबाइल नंबर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, फिर उसके आगे का आपको स्टेप बताते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको अब करना क्या होगा, आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रेंडिंग नाउ का। ठीक है, और उसके नीचे आपको 6 ऑप्शन मिल जाता है, यूज डिटेल्स का, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर 6 अंक आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो सबसे ऊपर ही आपको जो मिल जाएगा यूज डिटेल्स वाला जो आपको ऑप्शन मिल जाता था आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिल जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर आपको एक डाटा का ऑप्शन मिल जाता है, एक कॉल्स का, एक SMS का। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आप डाटा पे आओगे तो डाटा का हिस्ट्री आ जाएगा, कॉल्स पे क्लिक करोगे तो कॉल्स का हिस्ट्री आ जाएगा। जहाँ पर देख सकते हो मेरा टोटल कॉल का हिस्ट्री यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कॉल्स का हिस्ट्री डिलीट करने का यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पर भी मुझे कॉल्स डिलीट करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला। आप यहाँ से बस अपना कॉल हिस्ट्री देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप अपना कॉल हिस्ट्री यहाँ पे मतलब सिंक कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ सीधा बैक आ जाना। ठीक है, बैक आने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो गाइस कि उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है मेनू का, जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो आपको मेनू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मेनू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप मेनू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सबसे ऊपर आपको जिसके नाम से सिम होगा उनका मोबाइल नाम आ जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उसके ठीक नीचे आपको प्रोफाइल एंड सेटिंग्स का जो ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो आपको प्रोफाइल एंड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल एंड सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो फिर उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है, एक प्रोफाइल का, एक लिंकेड अकाउंट का, एक सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो बीच में आपको लिंकेड अकाउंट्स का जो ऑप्शन आपको मिल जाता था आपको लिंकेड अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंकेड अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका मोबाइल नंबर कोई भी आपका लिंक नहीं किया है, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना आपके मतलब फैमिली मेंबर में से कोई, ना आपका मतलब गर्लफ्रेंड, ना कोई आपका लिंक नहीं किया। अगर आपका कोई लिंक किया रहता तो आप यहाँ से देख सकते हो और उनको यहाँ से लिंक से रिमूव कर सकते हो। अगर आपका कोई लिंक किया रहता तो वो आसानी से आपका माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री आपका देख सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गाइस कि आप माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री नहीं डिलीट कर सकते, बट एक ट्रिक मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था कि एक ट्रिक है जहाँ से आप माई जियो ऐप के अंदर का कॉल हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको माई जियो ऐप का जो कस्टमर केयर होता है उनका 2 मोबाइल नंबर आता है, एक आ जाता है 1991, एक आ जाता है जो आप देख सकते हो गाइस कि एक आ जाता है 1991 और एक आ जाता है 198 आ जाता है। ठीक है, 198 एक आ जाता है। ठीक है, आप इस दोनों में से किसी भी नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं, किसी भी टाइम अगर कॉल करते हैं तो उनको आपको कॉल करके मतलब कस्टमर केयर को आपको उनको बोलना है कि सर मेरे माई जियो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री डिलीट करना है। ठीक है,
और वो आपका जो माई जो ऐप का जो कॉल हिस्ट्री होता है वो डिलीट आसानी से कर देंगे। बट गाइज उनका भी कुछ होता है जो आपको सुन लीजिए, ठीक है। उनको आपको जिनके नाम से अगर आपका सिम है, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ बताना, उनका नाम बताना, कुछ कुछ आपसे पूछेंगे जो आपको उनको बता देना है, ठीक है। और जैसे आप उनको बताओगे तो वो आपका 12 घंटा से लेके 24 घंटा के अंदर में वो आपके माई जो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। तो गाइज ऐसे ही आप अपने माई जो ऐप के अंदर कॉल हिस्ट्री डिलीट करवा सकते हो। जो मैं 3-4 नंबर का कॉल हिस्ट्री डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इसी प्रकार से किया, तो आप भी इसी प्रकार से अपने माई जो ऐप का जो कॉल हिस्ट्री होता है अंदर का, उनको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं मतलब खुद से कर लूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये संभव है इनको करना, ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जो खुद से आप कर सकते हो, बट आप कस्टमर केयर को कॉल करके करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस अगर कोई सा भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।